गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आईटीआई एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि आईटीआई का एग्ज़ाम का जो डेट है, शेड्यूल है, यहाँ पे जारी हो चुका है। और ये जो आपका आईटीआई एग्ज़ाम जो है वो 23 से स्टार्ट हो रहा है, 23 नवंबर से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कब कब यहाँ पे जो किस किस डेट पे कौन कौन सा पेपर जो आपका यहाँ पे होने वाला है, ऑफलाइन मोड में होगा या फिर ऑनलाइन मोड में होगा, इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। और बहुत ज़्यादा जो है क्वेरीज जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमारे जो इंस्टाग्राम ग्रुप है उस पर यहाँ पे मैसेज जो है स्टूडेंट के द्वारा आ रहा है कि सर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है एक वीडियो डालिए कि कब से एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो सारा उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये आज का ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप लोग विदाउट स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, तभी आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न जो दूर होगा। और हमारे चैनल पर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी क्लास कराया जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो फेल होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको जो है पूरा तैयारी कराया जाएगा। तो इसलिए जो है देखिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग वीडियो को जो है सारा वीडियो देखिए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का या फिर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन ट्रेड थ्योरी सारा का यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो सारा क्वेश्चन जो है आप लोग कवर कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ एनसीवीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो नोटिस आया हुआ है आपका एग्जाम से रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों सभी का जो है लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस यहाँ लेके आऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं अभी जो यहाँ पे एनसीवीटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटरप्रेनरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट यानी आपका जो एनसीवीटी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मैं यहाँ पे हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे यहाँ पे जो न्यू अपडेट्स है आपका इसमें आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड नंबर जो अपडेट आपका एक्टिविटी शेड्यूल फॉर AITT 2020, ठीक है। तो इसको चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये PDF जो हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो वेट करते हैं। देखिए ये PDF डाउनलोड हो चुका है और ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें सारा कुछ आपका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो इसको मैं वन बाय वन आपको जो पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका AITT एग्ज़ाम जो है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्ज़ाम 2020 का, उससे रिलेटेड ये नोटिस आई हुई है, ठीक है, जिसमें कि आपको ये सारा चीज़ जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं ये सारा चीज़ कॉलेज के लिए है, ठीक है। तो कॉलेज में यहाँ पर जो है अटेंडेंस वगैरह ये सारा चीज़ फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है कॉलेज को। यहाँ पर 23 से लेके 31/10 यानी पिछले मंथ का ही है ये, अक्टूबर में। तो ग्रुप वन के लिए ये है और ग्रुप टू के लिए डेट जो यहाँ पे ये रखी गई थी, ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारा चीज़ जो है वो कॉलेज के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है आपका, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट फ्रॉम NCVT MIS पोर्टल एंड इशू टू द एलिजिबल ट्रेनीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए MIS पोर्टल पर आपका NCVT का जो है एडमिट कार्ड जो है वो हॉल टिकट जो है वो डाउनलोड कब से होगा, तो 11 आपका यहाँ पे 10/11/2020 से लेके 17/11/2020 के बीच में होगा आपका ग्रुप वन के लिए। ग्रुप वन में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस बीच में जाके कॉलेज से अपना एडमिट कार्ड जो है वो ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आपका एग्ज़ाम से डेट से रिलेटेड वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप वन में कौन कौन सा स्टेट है, ग्रुप टू में कौन कौन सा स्टेट रखा गया है, ठीक है। तो इस PDF का लिंक जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका वो है ये एग्ज़ाम शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल में जो आपका यहाँ पे 23/11/2020 यानी 23 नवंबर से मंडे के दिन से आपका एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 10 बजे सुबह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए 10 बजे से यहाँ पे एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आपका जो यहाँ पे जो पेपर 4 इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर ऑल ट्रेड, सारे ट्रेड स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होने वाला है, ठीक है। फॉर द ट्रेनी ऑफ फर्स्ट ईयर ड्यूरिंग ट्रेड्स एडमिटेड इन सेशन अगस्त 2019, जिन्होंने भी अगस्त 2019 के सेशन में यहाँ पे एडमिशन लिया है उनका जो है एग्ज़ाम होने वाला 23/11/2020 को 10 बजे से। और ट्रेनी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनका भी 2018 वाले जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देंगे उनका भी यहाँ पे जो है 10 बजे से आपका एग्ज़ाम होने वाला है 23 तारीख को मंडे को, ठीक है।
उसके बाद सेकेंड ईयर वालों के लिए देखिए यहाँ पे 230 आपका जो है 2.5 बजे से यहाँ पे जो है आपका सेकेंड ईयर वालों के लिए पेपर 3 इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑल ट्रेड के लिए यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा 23 को जो है आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का होने वाला है, ठीक है, सारे स्टूडेंट के लिए। और 23 से मंडे यानी 23 यानी मंडे को 10 बजे से आपका फर्स्ट ईयर का है और 2.5 बजे से आपका सेकेंड ईयर स्टूडेंट का है, ठीक है। और जो सप्लीमेंट्री वाले हैं उनका भी यहाँ पे 10 बजे से होने वाला है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें तो 25, 26, 27 यानी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये यहाँ पे 9:30 बजे से जो आपका ऑल ट्रेड यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिकल रखा गया है फिर ऑल ट्रेड के लिए सभी स्टूडेंट। दिन पड़ता है तो इस दिन यहाँ पे आपका जो है प्रैक्टिकल होने वाला है 25, 26, 27 को, याद रखिएगा। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फॉर ट्रेनी और फर्स्ट ईयर जिन्होंने भी यहाँ पे अगस्त 2019 में एडमिशन लिया है और जो सप्लीमेंट्री एग्जाम में इस बार 2018 वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी यहाँ पे जो है आपका प्रैक्टिकल जो है वो 25, 26, 27 को होने वाला है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का, ठीक है। और उसके बाद 28, 1, 2 दिसंबर मंथ में, ठीक है। तो इस मंथ में देखिए आपका यहाँ पे दिसंबर में जो है 2020 में दिसंबर में और नवंबर में 28 से 1 और 2 को यहाँ पे 9:30 बजे सुबह से जो है सेकेंड ईयर स्टूडेंट का होने वाला है ट्रेड प्रैक्टिकल ऑल ट्रेड के लिए, ठीक है। तो सेकेंड ईयर वालों का जो है 28 से शुरू होगा प्रैक्टिकल आपका और फर्स्ट ईयर वालों का जो है 25, 26, 27 को यहाँ पे प्रैक्टिकल होने वाला है। तो ये जो है बिल्कुल ऑफिशियल आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल जो है ये ऑफिशियल जो है हमारा नोटिफिकेशन है, आप लोग इसको जो है पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप लोग जो है इसका एनसीबीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी आके इस मीन्स इस नोटिफिकेशन को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही जेन्युइन है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये जो है आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होता है स्टूडेंट को कि अदर पेपर जो आपका जैसे ट्रेड थ्योरी है आपका या फिर आपका WCS है ये सारा चीज़ कब होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को लेके यहाँ पे कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट के मन में। तो देखिए ये सारा चीज़ जो है इसका शेड्यूल नहीं जारी किया गया है और ये इसलिए नहीं जारी किया गया है क्योंकि इसका एग्ज़ाम ज़्यादातर चांस आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया है। यदि इसका ऑफलाइन होना रहता तो इसके साथ ही इसको यहाँ पे ले लिया जाता, ठीक है। पर इसका नहीं लिया जा रहा है क्योंकि ये सारा एग्ज़ाम जो आपका वो ऑनलाइन मोड में होगा, इस CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसलिए इस सारे एग्ज़ाम को यहाँ पे जो है उसका डेट नहीं दिया गया है और एग्ज़ाम अभी नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ज़्यादातर आपका चांस है कि ऑनलाइन ही लिया जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना ये सारा कुछ मैं बता दिया हूँ वीडियो बना के उसके ऊपर। तो आप लोग जो है उसको डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए उसमें और जो है आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है उस पर दे सकते हैं। जिस तरह की टेस्ट उस पर दीजिएगा सेम उसी तरह से यदि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसी तरह से आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम जो है देना रहेगा, ठीक है। इसलिए जो आप लोग प्लीज़ रजिस्टर करके जो है यहाँ पे टेस्ट जरूर दे लें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही मैं बताने वाला चाहता था आप लोगों को। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप आप लोगों का कन्फ्यूज़न जो मैं दूर करने में सफल रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।